शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सुनो, इतने घंटे से तुम ये भुकभुकिया ठीक कर रहे हो, अभी तक ठीक नहीं हुई तुमसे। चिंता ना करिए बड़के भैया, पूरी हवेली जगमगाई के छोड़ेंगे। जगमगाई के छोड़ेंगे, ये देखो इधर जगमगा रहा है आधा आधा। ए बाबू, कब तक होगा ये? बस भैया, अभी ठीक करके देते हैं। ठीक है, उधर भी बंद है, देखो उधर चेक करो। आज हमारे केशव का जन्मदिन है, एक कोना सुना नहीं होना चाहिए। बिटिया रानी जब सयानी हो जाती है ना, तो बाप की पीठ पे आंख उगाती है। क्यों स्वीटी? पापा, वो हमारे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? तुमको हम कल रात में कहे थे, केशव चाचू का जन्मदिन है, सब साथ में मिलके मनाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। चलो। आप ना हमेशा हमी को आप दिखाते रहते हैं, श्रवणी को कुछ नहीं कहते। उसके पापा का बर्थडे है ना, वो कहाँ है? हाँ, वो तो केक लेने गई है। लेकिन तुम्हारी तमीज कहाँ गई? ना बाप से बात करने का सलीका, ना कपड़े पहनने का ढंग। कपड़े बदलो पहले, चलो जाओ। चार बज गए, श्रवणी भी पता नहीं कहां रह गई। आप बैठे। कोई पानी लेके आओ ना, बर्फ लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, देखिए पानी तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा और छुएगा भी मत, वरना इन्फेक्शन फैल सकता है। अब भैया एक सेकेंड। देखिए किसी के पास टेप है क्या? लेके आओ। आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू। अभी ठीक है। देखिए आग बहुत नाजुक चीज होती है, जरा सी भी धूल पड़ जाए तो घाव पक जाता है।
आप हमारे साथ अस्पताल चलिए, यही पास में ही है, चलिए आराम से। डॉक्टर साहब, इनका घाव ठीक तो हो जाएगा ना? जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं है? सबसे पहले तो ये बताइए, आंखों पे ये कवर का आइडिया किसका था? जी हमारा। क्यों, क्या हुआ? समझ लीजिए, इसी ने बचाया है। अक्सर हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पर लोग जल्दबाजी में सीधा आंखों को हाथ लगा देते हैं, सिकाई करते हैं या फिर बर्फ लगा देते हैं, जिसकी वजह से केसेस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। कहने को तो ये बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन कभी कभी आंखों की रोशनी तक चली जाती है। बट ही इज लकी, ही सेव्ड। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू डॉक्टर। तुम मेडिकल स्टूडेंट हो क्या? जी डॉक्टर, तैयारी तो बहुत अच्छे से की है, बट नीट के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे माँ बाबा चाहते हैं कि मैं आंखों की डॉक्टर बनूं, उन्हें सपने दिखाऊं जो देख नहीं सकते। गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। इसका मतलब है हमारे साथ एक और डॉक्टर ज्वाइन हो रहे हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। जी जी जी, हम बस निकल रहे हैं, हम आ रहे हैं। जी ओके डॉक्टर, थैंक यू। हमें 4 बजे तो पहुंचना था, हम यहीं लटके पड़े हैं। ऑटो मॉल ले चलो। ऑटो, ऑटो, ऑटो रोका हमने, ऑटो हम लग मगले। अरे बदतमीज इंसान, रुको! मेरी ऑटो छीनने वाले, भगवान करे तुम्हें एक महीने तक कोई ऑटो ही ना मिले। तुम्हारे सामने से ऑटो गुजरे और तुम्हें तुम्हें कोई बैठाया नहीं, पैदल भटको तुम। आजकल तो लोगों ने तमीज गोद के पी गए। ऑटो, चार बजे पहुंचना था, 7 बज गए, पता नहीं कहां रह गई श्रावणी। और चलाओ सर पर। प्लेट लाके कौन रखेगा? केक हमारे सर पर रखोगी तुम? अब क्या हमें भी मार देना चाहती हो? नहीं, वो हम बस केक काटने के लिए सजा के ला रहे थे, स्वीटी भूल गई थी। 12 साल हो गए, अब
तो हमें माफ कर दीजिए। बहुत प्यार करते हैं आपसे भानु जी, आपका सारा गुस्सा पी जाएंगे हम, और एक ना एक दिन आप हमको दोबारा जरूर अपनाएंगे। ताऊ जी। अरे गुड़िया रानी। कहाँ रह गए थे बेटा? ताऊ जी वो श्रवणी इका हाल बना रखा है। का हुआ, गिरवर गई थी कहीं? अरे नहीं ताई जी, हम बिल्कुल ठीक है। वो सड़क पे कावड़िया की आंख में बच्चों की गिल्ली लग गई, उसकी आंख फूटते फूटते बची, बस उसी को अर्जेंट में अस्पताल लेके जाना पड़ा। अरे गुड़िया रानी तुम अपना ध्यान रखा करो, कोई है जिसे तुम्हारी भी चिंता होती है? जानते हैं, और सबसे पहले आप। अच्छा चलो जल्दी जल्दी केशव और नेत्रा को बुला लो, केक काटते हैं। हाँ। केक? वो तो भूल ही गए हम, वहीं रह गया। अरे काय परेशान हो रही हो? अभी हम जल्दी से हलवे का केक बना कर लाते हैं, केशव को भी पसंद है। जी कोई जरूरत नहीं है। जी अब देखिए, गलती तो हमारी थी, केक हम नहीं लेके आ पाए, लेकिन लाना तो बाबा के लिए था ना। और फिर जब ताई जी बोल रहे हैं कि हलवे का केक बना देंगी, तो फिर दिक्कत क्या है? बनाने दीजिए ना, और वैसे भी 12 साल हो गए, सब कुछ भुला दीजिए प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम केशव और नेत्रा को लेके आओ, केक काटेंगे। हाँ हम अभी माँ बापा को लेकर आते हैं। माँ। क्या माँ, कितना टाइम लगाती हो? अच्छा हाँ हमें कह रहे हो। शिबू तुम्हें पता है ना, तुम देर करते हो तो हम घबरा जाते हैं। माँ हम आपसे कहे थे ना कि हम प्रसाद लेने जा रहे हैं, अब भीड़ होती है, हो गई देर, और आप भी ना जरा सी देर होने पर अपना खून सुखा लेती हैं। मेरी प्यारी माँ आप चिंता मत कीजिए, देखो हम बिल्कुल ठीक हैं। माँ अम्मा कहाँ है? मर गई अम्मा। अरे अम्मा ऐसा नहीं बोलते, आपको पता है ना कि दिन में एक बार जबान पर सरस्वती जी बैठती हैं, बता रहे हैं कॉमेडी हो जाएगी आपके साथ। अम्मा हमारे डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हम बात करते हैं। मेरी प्यारी डॉक्टर श्रेया, अच्छे मार्क्स आने के बाद पार्टी देनी पड़ेगी, ये सोच के डर रही हूँ। भैया आप पूरी रात से सोए नहीं और आपको पार्टी सूझ रहा है? 2 साल से तैयारी कर रहे भैया, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो। ये लो तुम प्रसाद खाओ, और इस साल तुम रिजल्ट की चिंता मत करो, तुम बस सवा मन लड्डू बनाने की चिंता करो। सवा मन लड्डू? क्योंकि आज हम मंदिर में बोल के आए कि इस साल तुम सफेद कोट पहनोगी और हम 1.25 लड्डू लाके चढ़ाएंगे, वो भी तुम्हारे हाथ से बने हुए। पर मैं 1.25 लड्डू कैसे बनाऊंगी भैया? देखा कैसे तुम्हारा रिजल्ट का चिंता हम लड्डू पे शिफ्ट कर दिए। भैया आप भी ना। अरे तुम चिंता काहे करती हो, तुम्हारे साथ कढ़ाई में खर्ची हम भी चलाएंगे। मेरी प्यारी बहना चिंता मत करो,
अभी हम हैज कर लें। इन आंसुओं को मत बहा छुटकी, इन आंसुओं की एंट्री बहुत पहले ही हम इस घर में बंद कर दिए थे। अब हम लोग नहीं, वो लोग रोएंगे। इस घर के सारे दुख दर्द हम उनके पते पे भेज दिए जिन्होंने जन्मदिन मुबारक हो छोटे। हैप्पी बर्थडे बाबा। देख लीजिए, आज आप ही की आंखों से आपकी तस्वीर देख रहे हैं। आपने हमें इतना प्यार दिया, इतनी खुशियां दी, और जाते जाते अपनी आंखों की रोशनी भी दे गए हमें। लेकिन ए जी, हम इन आंखों से किसे देखेंगे हम? मां, हम सबको देखे, बाबा की खुशी तो इसी परिवार में थी। अच्छा चलिए चलिए, केक काटने का समय हो गया। आई, अरे आई ना ताऊ जी। आए वे ताई जी, आई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बाबा। अरे आप सब लोग भी हाथ लगाइए। बाबा आपका आशीर्वाद दीजिए कि हम आंखों के डॉक्टर बनकर का सपना पूरा कर सके। सब कुछ अच्छे से हो गया। चलो एक फोटो तो लेते। फोन ताऊ जी, आपका फोन दीजिए ना। स्वीटी थोड़ा आ गया ना। स्माइल, कुछ गड़बड़ है। ताई जी आप इधर आओ। हाँ हम उधर। माँ आप इधर आ जाओ। अरे ताऊ जी थोड़ा अंदर आइए ना। सेजी स्माइल, कितनी अच्छी पिक्चर आई है, एकदम पिक्चर परफेक्ट। बस बंटी मिसिंग है, मैं उसे ये फोटो भेज के जलाती हूँ।
आज नहीं भूले हम, सब याद है हमें। आप चिंता मत कीजिए, उन सबको हम मारेंगे नहीं और ना ही छोड़ेंगे, बस तिल तिल जलाएंगे उन्हें, हर पल रुलाएंगे। उन सबकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आएंगे जो उनसे संभाले नहीं संभलेगा। हम कसम खाते हैं आज, टूटना तो बहुत अपशगुन है, ये कहीं आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं? ताई जी, कोई तूफान नहीं आने वाला है, फ्रेम ही तो टूटा है, फिर से बन जाएगा, पर परिवार तो साथ में है ना। श्रावणी, डॉक्टर तो तुम अच्छी होगी, लेकिन खाना जो तुम बनाती हो ना, कोई जवाब नहीं उसका। स्वीटी, अगर तुम चाहो तो तुम भी खाना बनाना सीख लो, वो क्या है ना कि खाना बनाना आना इंसान की जरूरत है। अब क्या करे पापा, सब कोई तो श्रावणी की तरह परफेक्ट नहीं होते है ना, पढ़ाई में भी अव्वल और घर के काम में भी, कोई कोई तो हमारे जैसे औसत दर्जे के भी होते हैं ना। तो तुम ये निचले दर्जे की बात क्या कर रही हो फिर? श्रावणी, तुम भी बैठो, कुछ खा लो। नहीं ताई जी, आज सावन का सोमवार है तो हमें मंदिर जाना है, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। अच्छा, सोमवार का व्रत रखा है, अच्छी बात है, कुंवारी लड़कियों के लिए सोमवार का व्रत बहुत फलता है। अगर शिवजी प्रसन्न हो गए तो मनचाहा वर मिलता है। क्या ताई जी, आज के जमाने में व्रत वर के लिए नहीं, नंबरों के लिए किया जाता है। वैसे आज हमारा रिजल्ट आने वाला है, आप भूल तो नहीं गए? तुम्हारे नंबर अच्छे ना, ऐसा हो सकता है, वो तो आएंगे, पर अगर अच्छा वर मिल जाए तो क्या हर्ज है? कुछ भी ताई जी। पंडित जी, ये पूजा हम अपनी छोटी बहन श्रेया की सफलता के लिए करवा रहे हैं, आप ये प्रसाद उसी के नाम से चढ़ाइएगा। जी। Bye.
रिजल्ट आ गया? हाँ, हम अभी चेक करते हैं। अरे देख के बताओ ना जल्दी यार कि श्रेया का नाम लिस्ट में है कि नहीं। हो गया हमारा सिलेक्शन। मीटिंग में मतलब कोई अपना नाम कैंसल करेगा तब जाके श्रेया को सीट मिलेगी। जरा देखे तो सही हमारी बहन की सीट किसने हड़प ली। श्रवणी? श्रवणी कौन? मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।